बच्चे का वायरल वीडियो, कितना सच कितना झूठ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बच्चे का वीडियो को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं कि असल में ये बच्चा नशा करता था या फिर किसी ने इस बच्चे को नशा दिया। पूछताछ की गई, बच्चे के परिवार वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो पुलिस जांच अधिकारी चरणजीत सिंह ने बताया कि पहली शुरुआती पूछ में अभी यही जानकारी मिल पाई है कि ये बच्चा जन्म से मंदबुद्धि है, परंतु इस वायरल वीडियो के पीछे की असलियत क्या है इसको जानने की कोशिश की जा रही है। असल तथ्य तभी सामने आ पाएंगे। बच्चे के परिवार के सदस्यों ने बताया कि जन्म से ही इसका इलाज करवाया जा रहा है, ये मंदबुद्धि है। हम सभी बहुत करीब परिवार से संबंध रखते हैं और सफाई का काम करते हैं। जब हम काम पर चले जाते हैं तो उसके बाद ये बच्चा घर से बाहर निकल जाता है। किसी ने इसकी वीडियो वायरल कर दी है, पुलिस ने हमें जानकारी दी, इसलिए हम बच्चे को लेकर यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं। मेरा नाम राकेश, बेटा का मेरे छोटे ब्रदर का बेटा का, इसका नाम तनिष। ये जदों बचपन से पैदा होया सी उदों ही बीमार सी, लगातार 2.5-3 साल बीमार रहा। 20-22 दिन का खुराना हॉस्पिटल सर से दाखिल रह गया, डब्बाली रोड से खुराना हॉस्पिटल आ उत्थे दाखिल रहा। ये मैंटली अपसैट है जी, मंदबुद्धि टाइप का बच्चा गा, ना स्कूल पढ़न लगता जी। जो असी कम से चले जाने, असी किराए से रहने, बहुत अति गरीब परिवार तो संबंध रखते हैं। ये पिछों भज जाता जी बस स्टैंड से, जवाकों नाल खेड़दा गा, किसी ने वीडियो वायरल करती नशा करता गा। यह मंदबुद्धि हैगा जी, ये तो ढंग नाल बोले भी नहीं जाता। सानू जो चौकी जज साहब का फोन गया, असं इन्हों का फोन सुन के आए भी तुहाडे बच्चे की वीडियो वायरल, सानू तद पता लग गया जी। इहदा नाम है तनिष कुमार, मंदबुद्धि है जी। साढ़े एक अज सू सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसे एक छोटा बच्चा बारे दसया जा रहा है कि वह नशा किया हो। बट असी संबंधी वो भाल करते करते, मतलब लोगों फोटो वगैरह दिखा के वो घर तक पहुँचे, तो उन्होंने सुनेहा ला के बच्चा साढ़े को लेके आए। इन्हें परिवार ने दसा कि बच्चा जोड़ा है शुरू तो जन्म वेले तो लैके मतलब बीमार रहा, बीमार तो बाद मैंटली डिस्टर्ब दसया जा रहा, ठीक है। फिर भी जी वीडियो है, असं वीडियो भी वेख लिया, वीडियो के तत्थों विचारते हुए भी असी संबंधी भी पड़ताल करा, पर मुढ़ली पड़ताल तो सिर्फ सूँ इन्ना पता लगे कि यह जोड़ा बच्चा मैंटली डिस्टर्ब है। फिर भी जो ये पिछे की कोई कहानी हुई तो वो बारे भी असी पड़ताल करा। तो फिलहाल ये बच्चा काफ़ी घबराया भी हो और दिस भी रहा भी नॉर्मल बच्चा नहीं है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।